नमस्कार, बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। वेल, आज की एक्सरसाइज में हम 7 नंबर की बीट को राइट हैंड साइड में बजाएंगे और बाकी सब जो बीट है वो छोटे हैंड पर बजेंगे। तो पहले स्पीड देखते हैं हाथ के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसी स्पीड पर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. थोड़ी स्पीड देखते हैं और इसकी थोड़ी ज्यादा स्पीड देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
नंबर का जो शिफ्टिंग है इसको एक का शिफ्टिंग कहेंगे और सातवीं मात्रा को शिफ्ट करना है इस तरफ। जो हमारे स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप वीडियो नंबर 1 से शुरू करिए। अगर आप सिस्टमेटिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 1 से आप शुरू करिए, तो वो सिस्टमेटिकली धीरे 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 ग्रेजुअली वो एक्सपैंड होते होते, अभी ये बहुत एक्सपैंड होगा। ये तो जितनी एक्सरसाइज मैंने बेसिक, ये सारी बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज अभी मैंने बताई नहीं है, क्योंकि एडवांस लेवल की एक्सरसाइज शुरू होगी जब आपकी 500 वीडियोस पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो नया सिस्टम मैंने डेवलप किया है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज के गाने के बारे में हम देखते हैं, आज का गाना दोस्ती फिल्म से है, मोहम्मद रफी जी की आवाज में है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और आनंद बख्शी के बोल है। इस गीत को बजाने से पहले इसमें दो तरह के बीट बजे हैं, एक बीट बजी है मैंने आपको पहले भी सिखाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें बदलाव क्या करना है, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आएगा नहीं, 2 और 4 को हमने गैप देना है उनका, 1 3 4 1 3 4 1 3 4। अब इसमें एक बदलाव और है, वो बदलाव है 2 और 4 का गैप तो देना ही है, तीसरी मात्रा को डबल करना है, 1 3 3 4 1 sorry 4 नहीं बजेगा 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1। तो जब आप इसका मुखड़ा गाएंगे तो आप इस हेड को यूज कर सकते हैं, गाने का जो अंतरा है उसमें 2 की शिफ्टिंग बजी है, 1 2 3 4 5 6, दोनों इस उंगली से बजाने हैं आपको, 4 फिंगर्स से, 7 और 8 इससे बजाना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बल्कि इसमें आप अगर एक और चीज जोड़ दें, आप 1 भी इधर बजाइए तो इसका मजा और ज्यादा है, क्योंकि इसमें यही बजा है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
वन थ्री थ्री फोर वन थ्री थ्री चौथी मात्रा वन छोड़नी है थ्री थ्री वन थ्री थ्री है। अब देखिए थोड़ा कोशिश करते हैं। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है।
करिए। देखिए मैं चाहता हूं कि गाना कैसा भी हो, चाहे वो तबले पे बजा है, नाल पे बजा है, ढोलक पर बजा है, बीट वही है, ठीक। हमें कोशिश करनी है कि वो वजन हम यहां लेकर आए, ठीक, बोंगोस के ऊपर लेकर आए। तो ऐसे बहुत से गाने हैं जो मैं आगे चलकर जो सिर्फ तबले में बजे हैं, जैसे मैंने एक आपको डिस्कस किया था अभी पत्थर के सनम का है, पहली और दूसरी मात्रा को डबल किया है, चौथी और फिर सात नंबर पर वेट दिया है, जिसमें है कोई नहीं है फिर भी है मुझको, क्या जाने किसका इंतजार। तो ये था तबले पे बजा है। तो आप लोगों को मुश्किल नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले ये देखना है कि ये कितनी मात्रा का बार है, आठ का है, छह का है, सात का है या दस का है, ठीक। क्योंकि एक ताल में बारह मात्रा में बहुत कम बजे हैं, तबले में भी बहुत कम गाने हैं, झप ताल में तो गिनती के आठ दस गाने, इससे ज्यादा नहीं है। रूपक में पहले बहुत कंपोज होते थे, आजकल तो मतलब ही नहीं, आज और दादरा में भी आजकल नहीं होते हैं, यानी छह मात्रा में भी आजकल सॉन्ग कंपोज नहीं करते, और ज्यादातर जो है वो चार में, आठ का भी चार कर दिया, और चार मात्रा में ठीक जो कर सकते हैं, या आठ मात्रा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई कंपोजिशन नहीं है, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।